खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां कौर यूनिवर्सिटी में आज प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जर्नल ने शिरकत की, जिनका स्वागत कॉलेज के कुलाधिपति ने पुष्प गुच्छ देकर किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह है। बता दें कि राज्यपाल ने विशेष रूप से इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में सबसे अधिक संख्या बेटियों की रही। वहीं कुलाधिपति जेसी जैन ने कहा कि हमें अपने विद्यार्थियों पर गर्व है, 95% विद्यार्थियों को पहले ही नौकरियां मिल चुकी हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। समारोह में कॉलेज के शिक्षक, अभिभावक और अतिथिगण उपस्थित रहे। कुछ बहुत सौभाग्य का दिवस है कि आज रुड़की स्थित कौर विश्वविद्यालय ने अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है। आज सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे एक त्यौहार हो, पर्व हो, और अत्यंत गर्व था अपने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर। 650 ने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे गहरी खुशी तब हुई जब देखा कि जो गोल्ड मेडल विनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा हमारी बेटियाँ थीं। तो एक एहसास होता है कि हमारा यूथ, हमारी बेटियाँ किस प्रकार से सफलता की ओर बढ़ रही हैं। आज राज्यपाल यहाँ आए, हमारा पहला कन्वोकेशन, 650 बच्चों को डिग्रियां आज दी जा रही हैं, जिसमें से करीब 350 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहे, उनके माता पिता भी आज हमारे बीच रहे हैं। और बड़ा उत्साह की बात है कि करीब 95% बच्चों को पहले से ही जॉब लग गया था, जो यहाँ कॉलेज से गए हैं, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उनसे जब स्टेज पर आते हुए बातचीत हुई, बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे देश और विदेश में बहुत बच्चे हैं जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।